इंडियन टी20 लीग के 13वें सीजन का 7वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में भले ही चेन्नई की टीम को 44 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक खास मामले में अपने ही टीममेट सुरेश रैना की बराबरी कर ली। दरअसल इस मैच से पहले सुरेश रैना के नाम सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने का रिकॉर्ड था, लेकिन इस मैच के साथ ही धोनी ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस सीजन क्योंकि सुरेश रैना खेल नहीं रहे, इसलिए अगले मैच में धोनी रैना को इस मामले में पीछे छोड़ देंगे। रैना और धोनी दोनों ही के नाम अब 193-193 आईपीएल मैच है, जहां दोनों ही खिलाड़ी अब तक महज दो टीमों के लिए खेले हैं। सुरेश रैना ने जहां सीएसके और गुजरात लायंस की ओर से आईपीएल मैच खेले हैं, वहीं धोनी सीएसके और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा रहे हैं। इस मामले में तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हैं, जो अब तक 190 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। चौथे नंबर पर इस मामले में दिनेश कार्तिक हैं, जबकि पांचवें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली हैं। दिनेश ने जहां 183, वहीं विराट कोहली ने 189 मैच खेले हैं। आपको बता दें, इस सीजन में सुरेश रैना नहीं खेल रहे हैं। आईपीएल शुरू होने से पहले वो निजी कारणों के चलते दुबई से स्वदेश लौट गए थे। इस मुकाबले की बात करें तो सीएसके ने टॉस जरूर जीता था, लेकिन उसके बाद सीएसके के फेवर में कुछ नहीं गया। दिल्ली कैपिटल्स को चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था, जिसके बाद दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाए। इसके जवाब में सीएसके की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन ही बना पाई और दिल्ली ने 44 रनों से मैच जीत लिया। धोनी के इस नए रिकॉर्ड को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। Hey!